अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ फूड ब्लॉगर में फिर से एक बार दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची कैरी की चटपटी और खट्टी मीठी लौंजी। आप इसे आम की लौंजी या आमी की लौंजी भी कह सकते हैं दोस्तों। इन दिनों बाज़ार में बहुत ही हरी भरी और कच्ची कैरियाँ मिल रही हैं। गर्मियों के मौसम में तो इसे ज़रूर खाना चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कच्ची कैरियाँ ले लिया है और इसे हमने धो लिया है और अच्छे से पोंछ लिया धोकर। ये हमने घर की कैरी ली है, आप चाहे तो बाज़ार की भी ले सकते हैं दोस्तों। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए इसमें क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम गुड़ लिया है हमने यहाँ पर, मतलब एक पाव गुड़ लिया है। और इसमें हम जो डालेंगे इंग्रेडिएंट वो हमने लिया 2 सूखी साबुत लाल मिर्च और 5 फोड़न लिया है हमने। यहाँ पे सौंफ ले लिया है, मंगरेला ले लिया है, सरसों ले लिया है और अजवाइन लिया है और मेथी ले लिया है। तो इनको मैंने अच्छे से मतलब यहाँ पर हमने सब एक टीस्पून लिया है और ये हम साइड कर लेते हैं दोस्तों। और जो हमारा जो आम है उसको छील लेते हैं, इसके सारे छिलके हम ऊपर से हटा देंगे। लौंजी बना रहे हैं तो इसे हम लौंजी के सारे छिलके हटा देंगे और बहुत सारे इसमें जो छिलके हैं हटा के इसका जो छिलका एकदम साफ़ कर लेना है। आम का सेवन करने से पाचन हमारा जो है एकदम बेहतर रहता है दोस्तों। और इसके अलावा त्वचा के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। और इसमें विटामिन सी भी बहुत सोर्स में माना जाता है, बहुत सारी विटामिन होती है इसमें। मैंने और भी आम की रेसिपी शेयर की है दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम आम को छील लिए हैं, अच्छे से सारे आम को छील लेना है दोस्तों। और चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। कट आप जैसा भी काट सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब मैं जैसा काट रही हूँ तो आपको भी उसी तरह काटना है। आप अपनी अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा शेप में काट सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं क्यूब्स में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो लंबे लंबे शेप में भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने जो बीच का है वो हमने कट कर लिया है और हमने साइड साइड का भी कट कर लिया है दोस्तों। तो हम मतलब यहाँ पर हमने जो गुठली को है ना वो हम साइड कर लेते हैं, गुठलियों को हम उसमें नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है पकने में और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, गुठली में भी बहुत सारे होते हैं। तो हम गुठली को अलग से बनाएंगे, मैं इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी इसकी जो मैं बनाऊंगी गुठली की। तो इसको हम गुठली को वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें भी बहुत सारे गुद्दे होते हैं तो उसको फेंकेंगे नहीं। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने क्यूब्स में कट कर लेना है और हमने एक टुकड़े में 3 भाग कर लिया है और इसको हम मतलब एक इंच का ये मैं क्यूब्स में कट कर रहे हैं। अगर आप पतली भी एकदम पतली नहीं काटना, अगर आप लंबे शेप में काट रहे हैं तो हाफ इंच रख कर काटिए तो अच्छा मतलब सही रहेगा क्योंकि लौंजी बना रहे हैं, लौंजी के लिए थोड़ा सा ठीक होना ज़रूरी है, अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमने सारे जो कच्ची कैरियाँ हैं वो अच्छे से क्यूब्स में कट कर लिए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे, इससे खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना दोस्तों कि मन कर रहा कि खा लूँ इसको ऐसे ही उठाकर, पर अभी खाऊँगी नहीं, जब बन जाएगा तब खाऊँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन कर लिया है और अब इसमें हम चढ़ा लेते हैं कोई भी पतीला या पैन या कढ़ाई कुछ भी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसका कच्चापन थोड़ा जब हट जाएगा ऑयल से तब इसमें हम पचफोड़न डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है पचफोड़न, तेल अच्छे से गर्म हो गई है, थोड़ी ज़्यादा ही गर्म हो गई है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो सूखी साबुत लाल मिर्च ली थी ना 2, उसको मैंने 4 भाग में कट तोड़ कर डाल दिया है और यहाँ पर हम कच्ची कैरी डाल देंगे और इसमें
इसको हम चलाएंगे थोड़ा देर, और गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो में रखा है, इसको एकदम तेज़ नहीं करना वरना ये जल जाएगी और ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी, लाल भी हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी ओवर कुक हो जाने से दोस्तों। तो इसको थोड़ा हम ढक देते हैं और 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक कर पका लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको देखिए 1 मिनट हो चुका है, 1 से 2 मिनट हो गया है, और इसको हमने थोड़ा बीच में चलाया अभी तक खोल के दोस्तों। आप भी थोड़ा बीच में चेक कर ले, ऐसा नहीं है कि बस हमने बोल दिया है 1 से 2 मिनट तो आप बीच में खोलेंगे नहीं, खोल कर देखिए ढक कि इसका कैसा मतलब रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है आप देखिए बीच बीच में खोल कर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं गुड़, जो गुड़ हमने कट कर लिया है और इसको हम कट करके डालेंगे, एकदम गोटा गोटा नहीं डालेंगे पर अच्छा से मेल्ट नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको गुड़ को कट कर लिया है, थोड़े सी रफली कट किया है, महीन महीन नहीं कट करना है, बस रफली कट कर लेना है बस। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एकदम लो फ्लेम में रखिए। और यहाँ पे थोड़ा मैं 1 कप जैसा चीनी डाल रही हूँ, चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा गुड़ मुझे थोड़ा कम लग रहा है, और मतलब यहाँ पे थोड़ा चीनी भी आ जाएगा स्वाद और गुड़ का भी स्वाद आ जाएगा। तो ये देखिए वैसे तो गुड़ ज़्यादा बेनिफिट्स है मतलब यहाँ पर ही, लेकिन मैं थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक, नमक आप डाल दीजिए थोड़ी सी और अच्छी खट्टी मीठी, थोड़ा इसमें टेस्ट आ जाएगा नमक से। आप चाहे तो यहाँ पर ही काली नमक भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको भी हम ढक कर 10 मिनट के लिए इसे हम कुक कर लेंगे। और ये देखिए अब हमारा 10 मिनट हो गया है, और ये देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गई है, बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आ गया है दोस्तों। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और ये देखिए ये अच्छे से आम गल गई है, मतलब हमारा जो लौंजी है एकदम परफेक्ट और एकदम सही बनकर रेडी हो गई है। तो इसे हम सर्व करने के लिए अब थोड़ा बंद कर देते हैं गैस को, और ये देखिए हमने गैस ऑफ कर दिया है और इसको ठंडा थोड़ा होने देते हैं क्योंकि अभी ये गर्म है। और ये देखिए दोस्तों हमारा जो लौंजी है बनकर एकदम परफेक्ट लौंजी बनकर खट्टी मीठी बनकर रेडी है। यूं ही नहीं हम आम फलों का राजा कहते हैं, ये बहुत ही स्वाद और लाजवाब होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है दोस्तों। इसे खाइए, सबके साथ एंजॉय कीजिए गर्मियों के मौसम में, और भी मैंने वीडियो शेयर की उसे भी एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स कमेंट लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, इसी तरह अपने वीडियोस को शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।